तो दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, दुनिया भर की जो करेंसीज है वो नीचे गिरी है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था और सभी देशों की करेंसीज में कितनी कितनी गिरावट आई एज कम्पेयर टू डॉलर्स, ये मैंने आपको बताया था डिटेल में। और उसमें हमने जाना था कि भारत की करेंसी भी गिरी है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है और गिरावट के मामले में भारत की करेंसी को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिन देशों की करेंसीज में सबसे कम गिरावट आई उसमें से एक भारत भी था, अगर टॉप थ्री की बात की जाए तो। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि गिरावट तो हुई है, लेकिन इसके पीछे के कारण की बात की जाए तो भारत की करेंसी की वैल्यू कम नहीं हुई है, बल्कि तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी है। और ये बड़ा चौंका देने वाला सिनारियो था कि बताया जा रहा है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, अगले कई सालों तक भारत नंबर वन बना रहेगा ग्रोथ रेट के मामले में, लेकिन करेंसी की स्थिति लगातार गिरती जा रही है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारत ने अपनी करेंसी की वैल्यू बचाए रखने के लिए बहुत सारा पैसा रिलीज़ किया और ये सारा का सारा पैसा रिलीज़ किया गया हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से, जिसके अंदर पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। क्योंकि पिछले साल जिस हिसाब से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा था, अगर उसी रफ्तार से लगातार बढ़ता रहता, हमारी करेंसी नीचे गिरना शुरू नहीं होती, हमें उसे बचाने के लिए पैसा रिलीज नहीं करना होता, तो वो 2022 के अंत या फिर अगले साल जो 2023 शुरू होगा उसके 2-3-4 महीनों में 1 ट्रिलियन के लगभग पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि लंबे समय तक बरकरार नहीं रहेगी और भारत की करेंसी बिल्कुल अपनी स्थिति को मजबूत करेगी। इसके पीछे का कारण था एक्सपर्ट्स का ये बताना कि अब अमेरिका की करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी, यानी डॉलर अपने आप में ही गिरेगा तो अपने आप बाकी की करेंसी जो गिरी थी उसमें उछाल जरूर देखा जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, फ्राइडे वाले दिन ओपनिंग में ही भारत का रुपया डॉलर की तुलना में 110 पैसे बढ़ा और ये 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी एक ही दिन में ओपनिंग के साथ ही बिल्कुल 110 पैसा बढ़ जाना डॉलर की तुलना में, ये पिछले 9 सालों में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। ये 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा गया केवल एक ही दिन में। तो आप संकेतों को यहाँ पर समझिए, ये शुरुआत है, ये और आगे तक जाएगा और डेफिनेटली डॉलर की तुलना में भारत की जो करेंसी है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, बिल्कुल चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर सप्ताह भर की बात की जाए, जी हाँ, एक सप्ताह की बात की जाए, तो भारत का रुपया इतना ज्यादा डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ है कि इसने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी पिछले 4 सालों में ऐसा कोई भी सप्ताह नहीं गया जहां पर इतना उछाल देखा गया हो भारत के रुपये में डॉलर की तुलना में। बताया जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले सप्ताह की बढ़त, भारतीय रुपया आज 80.51 पर पहुंच गया। और फ्राइडे के दिन, जैसा मैंने आपको बताया कि ओपनिंग के समय ही 110 पैसे की बढ़त देखी गई, हालांकि ये क्लोज होते होते फ्राइडे वाले दिन ही 80.79 तक पहुंच गया था। यानी एक डॉलर की कीमत 80.79 रुपए के लगभग थी। और इस तरह से अगर पूरे सप्ताह की बात की जाए तो इसमें 2% का उछाल आया। यानी हमारी करेंसी 2 सप्ताह पहले की तुलना में पिछले सप्ताह पूरे 2% का उछाल लेती है। और इसी तरह से हम लोग 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। यानी पिछले 4 सालों में एक भी ऐसा सप्ताह नहीं आया जब भारत की करेंसी डॉलर की तुलना में पूरे 2% का उछाल प्राप्त करे। ये पहला सप्ताह था, जबकि हम सभी जानते हैं कि क्राइसिस अभी तक बना हुआ है, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो ये क्राइसिस के जब बादल छटने शुरू होंगे या और ज़्यादा छट चुके होंगे, उस समय आप देखिएगा कि ये उछाल और कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 12 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर है और ये लुढ़ककर कितना पहुंच गया है, 106.41 पर। जबकि इस इंडेक्स में यूरो, येन, पाउंड और कैनेडियन डॉलर, इन सभी की तुलना में डॉलर ज्यादा कमजोर हुआ है। इसी के साथ साथ जो अमेरिका की सालाना महंगाई का आंकड़ा है वो भी 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो ये सारे कारण रहे एक साथ कि डॉलर की वैल्यू कम हुई तो रुपये की वैल्यू अपने आप बढ़ गई। तो यहाँ पर हम सब लोगों की जो चिंता बढ़ रही थी कि यार डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि देखिए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है सडनली। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत का रुपया ये इस तरह से लगातार नहीं गिरता रहेगा, एक समय आएगा कि ये रुकेगा, उसके बाद ऊपर भी चढ़ेगा। तो वो परिस्थितियां आप जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि डॉलर ने फाइनली नीचे गिरना शुरू कर दिया है और ये बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए। इसी के साथ साथ भारत की कई सारी अलग तैयारियां भी है। भारत अब दूसरे देशों से जो ट्रेड कर रहा है उसमें भी रुपये को प्राथमिकता दे रहा है। यानी भारत के जो व्यावसायिक हैं, पहले उन्हें कई सारे इनिशिएटिव मिलते थे कि अगर वो डॉलर को छोड़कर दूसरी किसी करेंसी में दूसरे देशों के साथ ट्रेड करे तो, ताकि डॉलर की जो निर्भरता भारत के ऊपर है वो कम है। लेकिन यहाँ पर बड़ा आश्चर्य होता था कि भारत सरकार अपने व्यापारियों को इस बात के लिए इनिशिएटिव नहीं देती थी
कि वो रुपये के अंदर ट्रेड करे दूसरी कंपनीज से, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस इनिशिएटिव में रुपये को भी शामिल कर लिया गया है। यानी भारत की व्यापारी किसी भी देश से जब ट्रेड करेंगे उसमें रुपये से लेन देन करेंगे तो इसके ऊपर उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा या उनकी टैक्स में कटौती की जाएगी। तो ये सारे प्रोत्साहन इसीलिए दिए जा रहे हैं व्यापारियों को ताकि भारत की करेंसी से ज्यादातर लेन देन हो पाए विदेशों से, और अगर ऐसा लंबे समय तक चलते रहा तो हमारे रुपये की वैल्यू अपने आप बढ़ना बिल्कुल तय है। जिस तरह का सिनेरियो हम लोग इस समय रशिया की करेंसी रूबल का देख रहे हैं, जैसे ही उसका लेन देन बढ़ा उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।